ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। प्रभु जीवन बदल गया, जब से मिले मुझे को प्रभु जीवन बदल गया। सोने से वीरा से मन में मेरे एक दीप जल गया, सोने से वीरा से मन में मेरे एक दीप जल गया, एक दीप जल गया। जब से मिले मुझको प्रभु जीवन बदल गया। शैतान आवाज दी, जाता कहाँ है मुझे छोड़ कर। पीछे से शैतान आवाज दी, जाता कहाँ है मुझे छोड़ कर। ये दुनिया के दौलत रंगे बहारे बिखेरी गई है हर एक मोड़ पर। ये दुनिया के दौलत ये रंगे बहारे बिखेरी गई है हर एक मोड़ पर, बिखेरी गई है हर एक मोड़ पर। मीठी सी यीशु की आवाज ने मुझको बुला लिया, मीठी सी यीशु की आवाज ने मुझको बुला लिया। टीनेज में जहां जिंदगी में फिजिकल और इमोशनल बदलाव आते हैं, वही खाने पीने के शरीर की जरूरतें भी अलग होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ले, जैसे गेहूं के आटे की रोटियां, फल सब्जियां, बगैर मांसपेशियां, हड्डियों और हार्मोन्स की वजह से शरीर में कैल्शियम की जरूरत में बढ़ोतरी
होती है। कैल्शियम की इस जरूरत को पूरा करने के लिए दूध, योगर्ट और चीज का इस्तेमाल करें। टीनेज लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आयरन की कमी हो सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता में कमी आती है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में आयरन रिच फूड शामिल करना चाहिए। कलेजी, बीन्स, आलू, जौ, किशमिश में काफी आयरन होता है। हमारी बॉडी को फैट्स की भी जरूरत रहती है। अगर आप वेट कॉन्शियस है तो भी डाइट में कुछ फैट होना चाहिए। टूना, सालमन और सार्डिन मछली में हेल्दी फैट पाया जाता है, लेकिन तली चीजों, पेस्ट्रीज और स्वीट से ज्यादा प्यार ठीक नहीं। ब्रेकफास्ट जरूरी है। ब्रेकफास्ट ऐसा हो जिसमें तमाम पौष्टिक तत्व मौजूद हो। टीनेज में कील मुहासे की समस्या आम होती है। इससे बचने में विटामिन ए मददगार होता है। विटामिन ए के लिए संतरा, गाजर, तरबूज और टमाटर जैसे फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। टीनेजर्स, लड़के हो या लड़कियां, फास्ट फूड दोनों के लिए हानिकारक है। अगर फास्ट फूड खाना ही है तो पास्ता या गेहूं के आटे के बने सैंडविच लेना चाहिए। टीनेज में मसल की एक्सरसाइज से शरीर में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए डाइट में आयरन शामिल करना चाहिए। मीट की जगह आलू, सूखे फल, हरी सब्जियां और बीन्स लेने चाहिए। बॉडी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जिंक जैसे मिनरल्स बेहद अहम है, खास तौर से सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए मिनरल्स मदद करते हैं। जिंक मुहासों से बचने में भी मदद करता है। शेल फिश और दूसरी मछलियों को डाइट में शामिल करके जिंक की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बॉडी में हमेशा फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोई भी अच्छी स्पोर्ट्स ड्रिंक एक्सरसाइज के वक्त बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। और हाँ श्रोताओ, आप हमारे वेबसाइट पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vophealth.org। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। देखते आंसू आते हैं,
कितनी दुखदायक मौत थी तेरे खुद सूली लेकर जाना, सूली पर चढ़ने से पहले कांटों से गूंथा जाना, कोड़ों से पीटा जाना, उस पर भी तूने बतलाते हैं तेरी मोहब्बत की कुर्बानी, देख आंसू आते हैं, देख आंसू आते हैं, देख आंसू आते हैं, क्रूस कथा तेरी ऐसी कहा प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, आज हम देखेंगे कि स्त्री को अपने उस स्थान की पूर्ति करनी चाहिए जिसे आदि में परमेश्वर ने उसे प्रदान किया था। वो पति के बराबर का स्थान रखती है। संसार को ऐसी माताओं की आवश्यकता है जो केवल नाम मात्र की माताएं ना हो परंतु वास्तविक माताएं हो। हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि स्त्री का कर्तव्य निश्चित रूप में पुरुष की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पवित्र है। स्त्रियों को अपने कार्य की पवित्रता का आभास होना चाहिए और उनको परमेश्वर की शक्ति भय में रहकर अपने जीवन के उद्देश्य पूरी करनी चाहिए। उनको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो और संसार में अपने लिए एक उच्च स्थान बना सके। माता घर की रानी होती है, बच्चे उसकी प्रजा होते हैं। उसे बुद्धिमता से अपने घर का शासन चलाना होता है। मातृत्व की प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी होती है। उसका प्रभाव घर में सर्वोच्च होता है। उसका प्रत्येक शब्द नियम होता है। यदि वो मसीही माता है और परमेश्वर की अधीनता में चलती है तो वो बच्चों के समान अर्जित कर लेगी। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे माता का सम्मान करें, एक रानी के समान जो उनका मार्गदर्शन करती है और उनको उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। माता अपने कार्य की बहुत ही कम सराहना करती है और बहुधा अपने कार्यों का इतना निम्र मूल्यांकन करती है कि वे अपने घरेलू कामों को एक नौकरी समझती है। वो प्रतिदिन वही कार्य करती है और उसका कोई विशेष परिणाम भी नहीं निकलता। वो दिन समाप्त हो जाने पर उन कार्यों का वर्णन भी नहीं कर सकती जो उसने संपन्न किए हैं। अपने पति की सफलताओं की तुलना में वो ये समझती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। पिता बहुधा
आत्मा संतुष्ट होकर घर लौटता है और गर्व के साथ घोषणा करता है कि आज उसने अमुक कार्य संपन्न किए हैं। उसकी इस टिप्पणी से प्रकट होता है कि मां ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने तो केवल बच्चों की देखभाल की है, भोजन तैयार किया है, घर की सफाई की है, उसने व्यापार नहीं किया है, सोने चांदी नहीं खरीदी है, उसने किसान की भांति हल चलाकर भूमि तैयार नहीं की है, उसने मैकेनिक का काम भी नहीं किया, इसलिए वो थकावट कैसे अनुभव कर सकती है। पति उसकी आलोचना करता है, मूल्यांकन करता है, ऐसा अधिकार जमाता है जैसे कि वो सृष्टि का स्वामी हो। ये बातें पत्नी और माता को अधिक थका देती है, क्योंकि दिन भर की निरंतर परिश्रम से वो पहले ही अधिक थकी हुई रहती है, फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसने क्या कुछ किया है, वो इसलिए निराशा अनुभव करती है। यदि पर्दा हट जाए और माता और पिता उसी दृष्टि से दिन भर के कार को देखे जिस दृष्टि से परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की आंखें एक दूसरे के कामों की किस प्रकार तुलना करती है, तो वे इस स्वर्गीय प्रकाशन को देखकर आश्चर्यजनक रह जाते। पिता अपने शर्म को अधिक विनीत प्रकाश में देखता और माता को अपने कार्य के प्रति नया उत्साह, साहस और लगन प्राप्त होती है, तब वो अपने कार्य का महत्व समझ जाती है। उसे ज्ञात हो जाता है कि पिता उन वस्तुओं के पीछे भागता रहता है जो नाशमान है, जो चली जाती है, वो स्वयं जो कार्य करती है वो मस्तिष्क तथा चरित्र का निर्माण था, जो कि ना केवल इस संसार के लिए उपयोगी है वरन आने वाले संसार के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया कार्य जो माता प्रसन्नता पूर्वक उस कर्तव्य का पालन करती है जो उसके आगे होता है, यह वो अनुभव करेगी कि उसका यह जीवन अमूल्य है, क्योंकि उसके लिए यह कार्य स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए माता को वो कार्य छोटा नहीं समझना चाहिए। माता का यह कार्य उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया है। वो अपने बच्चों का प्रभु के भय के अंतर्गत पालन पोषण करे। बच्चों के कोमल मस्तिष्क में परमेश्वर का भय तथा प्रेम अंकित कर दिया जाना चाहिए। जब उनको सुधारा जाता है तो यह सिखाया जाना चाहिए कि वे ऐसा अनुभव करें कि उनको चेतावनी परमेश्वर द्वारा दी जा रही है। परमेश्वर छल, झूठ तथा अनुचित कार्यों से अप्रसन्न होता है। इससे उनके मस्तिष्क परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, तो वे जो कुछ करते या कहते हैं परमेश्वर की महिमा के संदर्भ में होगा। बड़े होकर वे सरकंडे के समान भावना कर्तव्य की वायु में लहराएंगे नहीं। जीवन के समस्त गतिविधियों में माता का सबसे अधिक पवित्र कार्य अपने बच्चों के प्रति है, परंतु बहुधा इस कार्य को एक ओर उठाकर रख दिया जाता है, स्वार्थी प्रवृत्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। माता पिता को बच्चों के वर्तमान और आनंद हित सौंपे गए हैं, उनको शासन की लगाम पकड़कर अपने परिवार को परमेश्वर के आदर के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर के नियम उनके मानदंड होना चाहिए, सभी बातों में प्रेम का शासन होना चाहिए। माता अपने परिवार को मसीही बनाने के लिए परमेश्वर का एजेंट है, उसे बाइबल के धर्म का स्वयं एक उदाहरण बनाना है जिससे उसके बच्चे मसीह पर
विश्वास करके जो परमेश्वर का वरदान है उद्धार प्राप्त कर सके। मसीह हमारे और उनके लिए क्या है, उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी करुणा जो कि मुक्ति की महान योजना में प्रकट की गई है, इस बातों की निरंतर शिक्षा उनके हृदय पर एक पवित्र तथा अमित छाप छोड़ देगी। जीवन का उद्देश्य, महिलाओं को अपने कार्य की पवित्रता को भली भांति समझ लेना चाहिए और परमेश्वर के भय में उससे शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे इस संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो और उस आने वाले उत्तम संसार के लिए भी सक्षम बने। हम मसीह माताओं को संबोधित करते हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि वे माता के रूप में अपने दायित्व को अनुभव करें और अपने आप को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत ना करें, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें। मसीह ने अपने को प्रसन्न नहीं किया, परंतु उसने सेवक का रूप धारण किया। मित्रों, इस संसार में भस्म प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, फैशन प्रथाएं युवकों पर शक्तिशाली प्रभाव जमा रहे हैं। यदि माता अपने कर्तव्य के पालन में असफल रहती है, अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन नहीं करती, उनको समुचित निर्देश नहीं देती, तो उसके बच्चों पर बुराई का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हर माता को प्रार्थना में बहुधा अपने मुक्तिदाता के पास जाना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमें बता कि हम इस बच्चे को कैसी शिक्षा दें, इसके साथ कैसा व्यवहार करें। माता को उन निर्देशों का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं और उसको बुद्धि प्रदान की जाएगी जिसकी उसकी आवश्यकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऊपर विराजमान है, उसके सिंहासन से प्रकाश का महिमा निकलकर सत्यनिष्ठ माता पर ठहर जाती है जो अपने बच्चों को दुष्टता पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उसके इस कार्य से दूसरा कार्य इतना महत्व नहीं रखता क्योंकि वो परमेश्वर की सहायता से मानव हृदय को ईश्वरीय समानता में विकसित करने का कार्य करती है। जो माता अपने इस कार्य का महत्व समझती है, वो अपने इस बहुमूल अवसर को हाथ से नहीं निकलने देगी। वो अपने चरित्र का अध्ययन करके अपने पतिजन के अनुभव को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनको एक उच्च आदर्श का पाठ सिखाएगी। वो धैर्य पूर्वक, निष्ठा के साथ, साहस पूर्वक अपनी क्षमताएं तथा योग्यताएं विकसित करने का प्रयास करेगी जिससे वो बच्चों को उपयुक्त स्तर का प्रशिक्षण दे सके। वो प्रत्येक कदम रखने से पहले परमेश्वर से उसकी इच्छा जानने के लिए पूछेगी, हे प्रभु तू क्या चाहता है। मेरे माताओं, क्या आप प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु तू हमारे बच्चों के लिए क्या चाहता है? प्रत्येक माता को ये समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक क्षण अमूल्य है। उसके कार्य की उस दिन जांच की जाएगी, तब उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ी संख्या में असफलताएं तथा अपराध लोगों की उपेक्षा के कारण ही किए गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दी। उस दिन ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत से लोग जो संसार के लिए आशीष का कारण बने, जिन्होंने संसार के में सत्य का प्रकाश फैलाया, वे मसीही माता की प्रार्थनाओं के कारण ही ऐसे पवित्र सिद्धांतों पर अटल बने रहे। कि आप ऐसी माता बनना चाहेंगी
कि आपके बच्चे ईश्वर को पकड़े रहे, ताकि हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, प्रभु आज हम हर एक माताओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जो उदास है, निराश है खुदावन, हर एक प्रकार की बीमारी से खुदावन ग्रसित है, वो तुझे पुकार रही है खुदावन चंगाई के लिए। खुदा तू ने चंगाई दे, उनकी आंसुओं को पोछ प्रभु, उनके दुख को दूर कर, उनके थकान को मिटा परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी बेटी है खुदावन। प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए, तेरा आशीष का हाथ उन बच्चों में हो, उन्हें बुद्धि शक्ति और ज्ञान तो आसमान से दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें किसी भी समय हर वक्त इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को मुझे बता सकते हैं। हम उन सब का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने मुझको फोन किया, ईमेल किया और मुझसे बातचीत की। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।